हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इजी सा, सिंपल सा, प्रैक्टिकल सा मेकअप लुक, जिसे आप एवरीडे के लिए इजीली क्रिएट कर सकती हैं। इसमें आपको बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, साथ ही साथ बहुत कम टाइम में आप इस मेकअप लुक को इजीली क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है या कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। मैंने आगे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि कुछ स्टेप जो हैं वो ऑप्शनल हैं, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उन्हें टोटली इग्नोर कर सकती हैं या उन्हें इस मेकअप लुक से बाहर कर सकती हैं। दूसरा, लिपस्टिक के बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप जिस भी शेड के साथ, जिस भी लिपस्टिक के साथ कंफर्टेबल हो, हमेशा वही शेड यूज़ करिए जो कि आपके मेकअप लुक को या फिर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। और तीसरी बात, आज के वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सभी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप वहां से चाहें तो इजीली चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी और ये है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकती हैं। फिलहाल ये मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ी सी ही क्वान्टिटी लेनी है, लेकिन मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना है। और इसके लिए मैं हमेशा ही आपसे शेयर करती रहती हूँ कि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है या फिर कौन सा मौसम है। अपने लिप्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उन्हें भी मॉइस्चराइजेशन की उतनी ही ज़रूरत होती है। अपने मेकअप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बीबी क्रीम, जो कि है फेयर एंड लवली से, और ये इसका मैंने मिनी साइज़ बाय किया था। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम एवरीडे के लिए मेकअप कर रहे हैं तो उसके लिए बीबी क्रीम या सीसी क्रीम सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। तो फिलहाल मैं यही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ऑयली स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है। वैसे आपको जो भी पसंद हो बीबी या सीसी क्रीम आप उसे यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि एवरीडे के लिए फाउंडेशन या कंसीलर मुझे उतना अच्छा नहीं। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकती हैं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकती हैं, ये हर तरह से इजीली ब्लेंड हो जाता है। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट, जो कि है मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, और इसमें जो मेरा शेड है वो है पल। आईब्रोज को फिल इन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, जो कि है मिस क्लेयर से, और इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्राउन।
वैसे आईब्रोज को आप पाउडर से भी फिल इन कर सकती हैं या फिर जेल से भी फिल इन कर सकती हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उसे यूज़ करिए, लेकिन आईब्रोज को हमेशा नेचुरल ही फिल करिएगा। अदरवाइज वो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा ओवर दिखाएगा और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आईब्रोज को हमेशा नेचुरल ही फिल इन करें। अब बारी है आई मेकअप की, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और उसमें से मैं इस लाइट ब्राउन शेड को मैं इस फ्लफी ब्रश पे लूँगी और इससे मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी और साथ ही साथ अपनी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी। आई शेडो के लिए आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि हल्का हल्का कलर लीजिए और एक्स्ट्रा जो है उसे डस्ट ऑफ कर दीजिए। वाली हूँ आईलाइनर, और जो कि है स्टे कोर्की का लिक्विड आईलाइनर। एक बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको मस्कारा पसंद हो तो आप मस्कारा के साथ जा सकती हैं, अगर आपको आईलाइनर पसंद हो तो आप उसे यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ करूँगी क्योंकि मैं दोनों में से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करती हूँ, और क्योंकि ये प्रैक्टिकल एवरीडे मेकअप लुक है तो मैं उसके लिए आईलाइनर यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी स्टेप फॉलो कर सकती हैं, चाहे वो आईलाइनर का हो या फिर मस्कारा का। नेक्स्ट स्टेप जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको काजल पसंद है तो आप काजल अप्लाई करिए, और अगर आपको काजल नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं काजल अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे काजल पसंद है। अब बारी है ब्लश और हाइलाइटर की, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिलहाल एवरीडे में कोई ब्लश और हाइलाइटर यूज़ नहीं करता है, ये आपको भी पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करूँगी ताकि मेरे फेस पे हल्का सा ग्लो ऐड हो जाए, लेकिन थोड़ा सा। इस मेकअप लुक को फाइनल टच देने की मतलब कि लिपस्टिक, और जहाँ पे लिपस्टिक की बारी आती है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे कौन सी लिपस्टिक अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे डार्क या बोल्ड शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट ये मेकअप जो है वो एवरीडे के लिए है तो आप लाइट शेड यूज़ कर सकती हैं। पहला है मिस क्लेयर का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम जिसमें मेरा शेड है 20, और दूसरा है मेबलिन का क्रीमी मैट जिसमें मेरा शेड है टच ऑफ स्पाइस 660। तो फिलहाल मैं यही यूज़ करने जा रही हूँ, मेबलिन की टच ऑफ स्पाइस। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।